Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में रिया चक्रवर्ती के कॉल रिकॉर्ड से काफी जानकारियां सामने आ रही हैं। कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि रिया सुपरस्टार आमिर खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह, आदित्य राय चोपड़ा जैसे कई हस्तियों के संपर्क में थी। पहले हम आपको रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल का पूरा ब्यौरा बताते हैं। रिया के कॉल डिटेल रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने एक बार आमिर खान को फोन किया था और इसके बाद आमिर खान ने उन्हें 3 SMS किए थे। रिया ने अभिनेता रकुल प्रीत सिंह को 30 कॉल की थी, जबकि रकुल ने रिया को 14 बार कॉल किया। दोनों के बीच 2 बार SMS के जरिए भी बातचीत हुई। रिया ने आज की टू से सुर्खियों में आए आदित्य राय कपूर को भी 16 बार फोन किया, जबकि आदित्य राय कपूर ने उन्हें 7 कॉल किए। ठीक इसी तरह रिया ने एक बार श्रद्धा कपूर को फोन किया, जबकि श्रद्धा ने रिया को 2 बार फोन किया। इन सभी में जो सबसे बड़ा नाम है वो है, जिसकी चर्चा आजकल हो रही है, वो है आमिर खान का नाम। वो आमिर जिनके ऊपर पिछले कुछ दिनों से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या है उनके ऊपर उठने वाले सवाल, आइए हम जानते हैं। सबसे बड़ा सवाल आमिर खान की सोच, उनकी देश विरोधी विचारधारा पर खड़े हो रहे हैं। और खासकर सुशांत सिंह मामले में जिस तरह से आमिर खान ने चुप्पी साधी हुई है, वो आमिर पर कई बड़े सवाल खड़े करती है। अब जरा आमिर की उस सोच को देखिए, जिस देश के साथ भारत के रिश्ते खराब हैं, पीएम मोदी तक खुद उस देश की यात्रा रद्द कर देते हैं। उस देश के लिए भारत अपनी पॉलिसी तक बदल देता है। जो देश भारत में लगातार आतंकवाद को फैलाने की कोशिश में लगा है, भारत विरोधी बातें करता है, देश के गद्दार आमिर उस देश को अपना मानते हैं और वहां शूटिंग करने के लिए चले जाते हैं। देश में जब असहिष्णुता का मुद्दा जोरों पर था, कई बुद्धिजीवी सवाल खड़े कर रहे थे, तब आमिर ने उन लोगों के सुर में सुर मिलाते हुए कहा था कि उनकी पत्नी को भारत में रहते हुए डर लगता है। तब देश विरोधी मुद्दों पर खुलेआम बोलने वाले आमिर अब सुशांत के मामले में चुप क्यों हैं? जिस सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा देश एकजुट होकर आवाज उठा रहा है, आमिर उस मामले की आरोपी रिया से फोन पर बात कर रही हैं। हो सकता है कि आमिर फोन पर रिया को बचाने की सलाह दे रही हूँ। आमिर की सोच देखिए, रिया से बात करने के साथ साथ क्या आमिर ने सुशांत के पिता से बात की? क्या आमिर ने बिहार पुलिस की मदद करने की कोई बात कही? लेकिन आमिर ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि इन तीनों खानों की दाल रोटी देश की वफादारी से नहीं, देश की गद्दारी से चलती है। बेहतर होता अगर इंडस्ट्री से सीनियर होने के नाते तीनों खान सुशांत मामले में कुछ बोलते, सुशांत को इंसाफ दिलाने की बात करते, लेकिन लोग इंसाफ दिलाने की बात करते कहाँ हैं? ये लोग जिंदगी देना नहीं लेना जानते हैं। अब बॉलीवुड में अपनी बादशाहत का ढोल पीटने वाले इन सौदागरों की हकीकत सबके सामने आ गई है। लोग समझ गए हैं और जनता अब इन तीनों के बहिष्कार को लेकर आवाज उठाने लगी है। वैसे आमिर खान को लेकर आपका क्या कहना है? आमिर ने रिया से क्या बात करी होगी, क्यों बात की होगी? आपका जो भी मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।